हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्भय। और आज के हम इस वीडियो में काइट्स मूवी का जो दिल क्यों ये मेरा शोर करे का जो इंट्रो है, जो बहुत ही खूबसूरत ट्यून है जो बांसुरी पे प्ले की है, वो आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सी ट्यून है और मुझे लगता है कि बिगनर्स जो है वो आराम से इसको बजा सकते हैं, तो इसलिए आज हम वो ट्यून जो है वो सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं वो जो ट्यून है वो किस तरह से बजती है या फिर सुनाई देती है ये मैं पहले आपको सुनाता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही एक प्यारी सी ट्यून है जो आराम से बिगिनर बजा सकता है, अगर थोड़ा बहुत बेसिक्स एक्सरसाइज वगैरह लोअर ऑक्टिव, मिडल ऑक्टिव, हायर ऑक्टिव के आपने किए होंगे तो आप इसको आराम से बजा सकते हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। जो पहली लाइन है ये है, तो इसके नोटेशंस है ग नी ग नी ग नी ग नी म ग रे। इसमें नी जो है स्टार्टिंग में लोअर ऑक्टिव का आएगा, ग नी ग नी ग नी ग नी ये मिडल ऑक्टिव का आएगा, और उसके बाद में म जो बजाएंगे तीव्रा बजाएंगे। तीव्रा मीन्स हम पूरा ओपन करके बजाएंगे, तीव्रा मीन्स हायर ऑक्टिव पे नहीं बजाना है। तीव्रा मीन्स ये जैसे हम शुद्ध म बजाते हैं, हाफ 30% ओपन करके जो म बजता है वो शुद्ध होता है, और तीव्र जो होता है वो हम जब पूरा फिंगर ओपन करते हैं तो तीव्र म बजेगा। ठीक है, तो इसमें जो भी हम म बजाएंगे, जहाँ पे भी हम म बजाएंगे वो तीव्र रहेगा। तो पहला लाइन क्या है, ग नी ग नी ग नी ग नी म ग रे। इसको आप लिख सकते हो, या फिर मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि अगर आप सुन के ही बजाने की कोशिश करेंगे या फिर मेमोराइज करके बजाने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो ट्राई करिए कि सुन सुन के मेरी वीडियो जो है वो देख देख के ही बजाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो पहला लाइन में धीरे धीरे बजा के दिखा रहा हूँ, ये देखें। फिर से ओके। सेकेंड लाइन है, ग रे नी ध। सेकेंड लाइन भी उसी पैटर्न में है, ग रे नी ध ऐसे। ठीक है, दोनों लाइन में फिर से गा के आपको बताता हूँ। पहला लाइन, ग नी म ग रे ग नी ध ओके। उसके बाद म प ध, उसके बीच में म प ध ग नी ग नी ग। फिर से वो लाइन जो है हमें रिपीट करना है, मतलब दोनों लाइन हम जो दो लाइन्स है उनको आपको रिपीट करना है, तो वो उसके बीच में आपको म प ध, ये एक जॉइंट फ्रेज है, उसको आपको बीच में लेना है। जैसे ग नी ग नी ग नी ग नी म ग रे ग नी ध म प ध ग नी ग नी ग।
नि ग नी म ग रे, इस तरह से आएगा। पूरा देखिए, लास्ट में प म प। ओके, जब हम दो बार, दोनों जो लाइन है जो दो बार बजाने के बाद फिर से हम ग रे ग रे ग रे ग नी ध प म प, इस तरह से उस लाइन का एंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्यून है, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बजा सकते हो। जिनको लिखना है उनको आप लिख सकते हो, बट मैं नोटेशंस जो है ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं नहीं देता कभी भी। मैं उनको हमेशा ही यही बोलता हूँ कि आप समझ के या फिर सुन सुन के बजाने की कोशिश करिए, ताकि आपका सुर का जो सेंस है वो अच्छे से डेवलप हो जाए, ताकि आगे जाके क्या होता है कि कोई भी लिखते हैं ना हम नोटेशंस और उनको पढ़ के बजाते हैं ना, तो वो एक आदत ही हो जाता है, तो वो एक रटा हुआ जो प्लेइंग होता है ना वो दिखता है। बट अगर आप सुन के बजाओगे उस ट्यून को, समझ के सुन के बजाने की कोशिश करोगे कि सामने वाला कैसे बजा रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि आप उस ट्यून को अच्छे से बजा सकते हो, क्योंकि आप उसी तरह से उसी फील के साथ बजा रहे हो। बट लिखने से आप रट्टे वाला जो प्लेइंग होता है ना वो बन जाता है, जिसमें कोई फील नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, इस ट्यून को आप अच्छे से सीख पाओ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और भी बहुत सारे बेसिक गाने के ऊपर या फिर बॉलीवुड सॉन्ग सीन के ऊपर वीडियोस आएंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरह के जो लेसन्स है गाने के वो आपको मिल सके। साइड बाय साइड जो है मेरा फ्लूट क्लासेस जो है, ऑनलाइन फ्लूट क्लासेस भी चलता है, तो अगर आपको उसमें इनरोल करना है तो उसकी जो डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके फ्लूट बेसिक्स अच्छे से, क्लासिकल म्यूज़िक आपको सीखना है, बेसिक्स अच्छे से सीखना है, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करिए। ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा। तो इसी पे ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और भी बहुत सारे वीडियोस जो है जल्दी आपको मिलेंगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।